पानी खा ले जाए। अब हुआ क्या, ब्लॉक हो गया होगा। समझाना एक अलग चीज है, सुनने एक मिनट बात करना। छत हमारा पूरा डूब रहा है, तो कौन बेटा भाई है भैया है तो दिखाई पड़ रहे हो। पूरा पूरा इलाका पूरा पूरा डूब जाता है। कोई ना एक अधिकारी नजर आता है, ना एक कर्मचारी नजर आता है। इस व्यवस्था को आप लोग समय रहते संभाल लो। ये यहाँ ऐसे नहीं बेचारे सब लोग आ गए हैं, कितना यहाँ की जनता पीड़ित हुई होगी तब ये लोग बताइए। एक आदमी यहाँ ना सुनने वाला है और ना यहाँ मिलता है। पूरा पूरा क्षेत्र भैया डुबा देते हैं ये लोग और ना फोन उठाते हैं। हम इसको देखना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। देवल पानी आप करके इन लोगों को अवगत कराइए, सारे लोगों को। बिल्कुल, देवल पानी घर भर जाता है, क्या देखेंगे बताएं। धीरे धीरे बोलने की क्या बात होती भैया, लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए। अरे भैया घर में देख लो, चलते कमर बराबर राशन लोगों के डिब्बे में भरे रखे हैं, डूब गए हैं। रात भर सब का सामान हम लोगों ने ढोवाया है, बाहर निकलवा लो, बोलवा के छत पे चढ़वाए हैं। अगर मशीन चला दे समस्या खत्म। चला दिया इस क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय नीरज बोरा जी, उनसे इस विषय पर काफ़ी पहले मेरी बात हुई थी। तो बहुत चिंता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, और आज भी उन्होंने बोला काफ़ी बारिश हो रही है, अगर चल करके आप देख लेती वहाँ पर, इसलिए हम दोनों यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं। और यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जो यहाँ के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। सेल्ट निकाल करके रखा गया है, उसको वहाँ से उठाकर दूसरी जगह नहीं ले जाया गया, जिसकी वजह से पानी वापस उन मोहल्लों में पहुँच रहा है। तो ज़रूरी है कि उन सेल्ट को हटवाया जाए। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस सेल्ट को उठवाया जाए, ताकि लोगों के घरों से पानी निकल कर नाले में। समस्याएँ हैं जल जो है, अभी जैसे ही बारिश हुई है ज़बरदस्त, आपने देखा कि कैसा जल भरा हुआ है, जो लोगों के घरों में पानी भर गया। यहाँ तक कि जो लोगों का राशन पानी रखा हुआ था वो बुरी तरह, उनके जो पीपे रखे थे उसमें तक पानी भर गया। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है गंदगी की, जो चरम सीमा पे है। इस क्षेत्र से ना तो कोई कूड़ा लेने आ रहा है, ना कूड़ा उड़ रहा है। नालियां सब बहुत बुरी तरीके से बचबचा रही हैं। मंत्री जी से मैंने इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया कि जो जल भराव हो रहा है या जो गंदगी, जो नालियाँ नहीं साफ़ हो रही हैं, उनको समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इनसे संबंधित अधिकारियों से मैं वार्ता करूंगी, इन समस्याओं को मैं दूर करूंगी।